भाइयों और बहनों, नहीं क्या भाइयों और बहनों, पहले से हाँ, यहाँ तो अच्छा भाइयों और वैसे गेट भाइयों की बहनों, वेलकम। गए। वेलकम टू द स्ट्रीम। तो टोटल कितने स्कोर्स है हमारे पास? फिर हाँ, 25 स्कोर्स हाँ हैं। उसमें से पहला वाला टीम डुओ खेल रहा है, दूसरा वाला स्क्वाड तीसरा वाला भी डुओ खेल रहा है, और टीम 11 के पास 3 ही बंदे हैं, और टीम 25 के पास 3 ही बंदे हैं, और बाकी सभी डुओ खेल रहे हैं, बाकी सभी सभी स्क्वाड डुओ में खेल रहे खेल हैं। रहे। हाँ तो यहाँ पे उतरी विश्वजीत की टीम और टीम नंबर टू और टीम नंबर 25 और 18 भी उतरी है। आईएम के क्लान और टीम नंबर 25 जा रहे हैं, मिलिट्री बेस, दोनों हाँ मिलिट्री बेस मिलिट्री बेस जा टीम रहे हैं। नंबर 3 टीम नंबर 25 टीम नंबर 3 और 25, हाँ, तो इधर तीन टीमें जा रही हैं और मिलिट्री बेस की तरफ। आई थिंक टीम टीम नंबर नंबर थ्री 2 भी जा रही है मिलिट्री बेस। अच्छा टीम नंबर 2 भी है क्या? टीम हाँ नंबर 2 भी मिलिट्री बेस ही जा रही है, तो तीन टीमें मिलिट्री बेस जा रही है क्या? और टीम नंबर जी 3 जाएगी, आई थिंक नोवो जाएंगे गाड़ी पकड़ के। हाँ वो कंफर्म है टीम नंबर 3 नोवो। और कोचिंग की उतरी है टीम नंबर 5 टीम नंबर 7 टीम अच्छा नंबर 17। अच्छा मतलब फाइट हमें देखने को मिलेगी अभी जॉर्जपुल में, कोच जॉर्जपुल में हाँ कोचिंग की में जॉर्जपुल और मिलिट्री बेस में। तो अभी तो ये लूटने में बिजी है, जॉर्जपुर में चार टीम उतरी है। में 4 टीम उतरी है क्या? जॉर्जपुर में कौन कौन सी टीम है? नंबर जॉर्जपुल में नंबर 16, एट चलो 16 के पास चलते हैं, देखते हैं 16 क्या कर रही है। 16 बॉट की स्क्वाड है, ये लोग कंटेनर पे लूट रहे हैं आई थिंक। हाँ कंटेनर पे खाली 16 की स्क्वाड है, बाकी गए सिटी की तरफ, और इनके पास फ्लेयर भी है, तो इन लोगों ने फ्लेयर चला दिए फिलहाल। तो M24 भी मिल गई किसी बंदे को 16 का, अभी तक और तो आई लगभग थिंक किसी की फाइट नहीं हुई पच्चीस है। और टीम नंबर 2 की फाइट होने जा रही है आई थिंक। चलते हैं उधर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ 25 और टीम नंबर 2 की फ्लाइट होने जा रही है। हाँ यहाँ पे लगभग फाइट स्टार्ट हाँ होने वाली है। स्टार्ट हो गई, और प्ले तनवीर ने सनी को नॉक किया, इंदौरी भी नॉक हो गए, ये मामासान फाइट स्टार्ट। और टीम नंबर 2 के 2 नॉक हाँ 2 नॉक हुआ, और यहाँ पे केजीएफ ने विश्वजीत को नॉक कर दिया, और मोहित बाहर निकला है, और मोहित पे टीपीपी ले रहे हैं लोधी, और मोहित ने केजीएफ को नॉक कर दिया है, और मोहित ने लोधी को भी नॉक कर दिया। मोहित 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 ही खेल रहे हैं, आई थिंक इनका मोहित बचा हुआ है, और मोहित लिट है, और इनमें से इंदौरी बचा हुआ है, बस इंदौरी लास्ट बचा हुआ है इनमें से, इंदौरी लास्ट बचा। और वो भी 2 HP पे है, बट मोहित ने चूज किया है किसी को रिवाइव देने का, और इधर रश हो रही है, ये लोग आपस में रिवाइव कर रहे हैं। यहाँ टीम रिवाइव दे रहा है मोहित किया। हाँ विश्वजीत बाहर आ गए दीवार से बाहर, और टीम नंबर 2 ऊपर छत पे, और इंदौरी टीम नंबर फॉरवर्ड कर दिया टू थोड़ा चारों सा, दूसरी बिल्डिंग में चले गए। प्लेयर 1 HP पे सब सब स्क्वाड के, दोनों स्क्वाड के, और इंदौरी ने थोड़ा सा हील अप कर दिया, और केजीएफ किलर भी हील हो गया। यहाँ भी दूसरी जगह देखे तो अभी किसी की फाइट स्टार्ट निखिल कहीं नहीं देखो, हुई है। कहीं और फाइट हो रही है, तो अभी कहीं और फाइट नहीं हो रही है। उधर जॉर्जपुर में टीम तलवार नंबर रश है, 18 और टीम नंबर 13 इनका फाइट अपने को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा।
अच्छा टीम नंबर 18 टीम नंबर 13 उधर 16 की टीम भी है, और ये जो टीम नंबर 8 है इन लोग ने आई थिंक ये लोग चले गए उधर से निकलते हुए, शायद खतरा महसूस हुआ इनको, और इधर फिर से फाइट होने जा रही है टीम नंबर 2 और टीम नंबर 25 के बीच में, 25 के दो ही तीन ही प्लेयर है और जिसमें से विश्वजीत पूरे लो है, और यहाँ प्ले तनवीर विश्वजीत को नॉक कर दिया और मोहित भी नॉक हो चुके हैं, और अच्छा आई थिंक ऑलरेडी, हाँ टीम नंबर 25 ऑलरेडी, इधर बच्ची है टीम नंबर 25 ऑलरेडी, टीम नंबर 25 ऑलरेडी, पहली टीम नंबर 25 की गई, सनी मोहित और विश्वजीत, उधर फाइट होने जा रही है टीम नंबर 10 और टीम नंबर 14 के बीच में, जॉर्ज पुल चलते हैं टीम नंबर 14 और टीम नंबर 10 के बीच में फाइट होने जा रही है, और ये INS कौन सा है, पबजी कोतल की, लेकिन कोतल की स्क्वाड है, हां जॉर्ज पुल सिटी, हां जॉर्ज पुल सिटी की साइड है वो, उधर आने के वो भी 3 वर्सेस 4 हो जाएगा, उधर उधर भी 3 वर्सेस 4 हो जाएगा, यार लगता है कि फाइट स्टार्ट होने वाली है, और इसमें से टीम नंबर 10 उसमें से डीआईपी चौधरी अच्छा खेलते हैं, देखा इनका इनका गेम प्ले देखा पिछली स्ट्रीम में हमने, बड़ा ही अच्छा खेले थे, टीम नंबर उसमें हमें देखने को मिला है कि कोई लड़की भी खेल रही है टीम नंबर 8 में, टीम नंबर 8 में नाम से खेल रही है, और इधर नंबर 10 का एक नॉक कोतुल अरबाज को नॉक कर दिए, और पूरा कालिया पूरा वाइबर कर लिया, और डीआईपी चौधरी ने केजीएफ किलर आई थिंक पूरा खाएंगे इनको ये, हाँ सो ये 2v3 हो गया, 2v3 2v2 हो गया आई थिंक, हाँ टीम नंबर 14 के 3 बचे हैं तो 2v3 फाइट चल रही है, इधर टीम नंबर 10 के 2 बचे हुए हैं डीआईपी और अनिकेत बचा हुआ, और उधर 18 टीम नंबर 18 की भी फाइट चल रही है, कबीर भवानी आयम आदि उनकी फाइट चल रही है, हाँ टीम नंबर 13 के साथ, और टीम नंबर 13 में हमारे साथ कौन है, टीम नंबर 14 और टीम नंबर 10 का वन ऑल डेड है, ऑल डेड टीम नंबर 10 ऑल डेड, नहीं टीम नंबर 10 अभी बचा हुआ है थोड़ा सा, वो उधर बहुत फाइट हो रही है टीम नंबर 13 जॉर्ज पुल्स टीम है, टीम नंबर 13 और टीम नंबर 18 के बीच जॉर्ज पुल टीम नंबर 18 के पास, बॉट विष्णु नॉक हो गए, आलोक को पूरा खा लिए, टीम नंबर 13 हाँ अभी तो अच्छी पोजीशन में, टीम नंबर 18 और टीम नंबर 13 के बीच फाइट, टीम नंबर 18 का हाँ एक ही प्लेयर बचा हुआ है कबीर भवानी, बाकी दोनों गए इनके स्क्वाड के लास्ट बचे हुए हैं टीम नंबर 18 से कबीर भवानी, एयरड्रॉप गोज ऑफ की साइड है, तो कबीर भवानी ने इधर नॉक कर दिया है पीपीजी को, और उधर से बॉट की स्क्वाड बॉट विष्णु बॉट लकी वो लोग जॉर्जपुल से आ रहे हैं आई थिंक मे बी थर्ड पार्टी, यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट होते हुए मे बी थर्ड पार्टी का टीम नंबर 18 का कबीर, नंबर 18 का बंदा इनका दूसरा बंदा दिखाई नहीं दे रहा हमको, और आई मारी उधर ही है, हाँ हाँ कंफ्यूज हो गए थे आई मारी, सो मे बी आदि रिवाइव देना चाहेंगे, आई थिंक रोस हो चुका है यहाँ पूरा, ग्रेट लक, तो टीम नंबर 18 पूरा गया,
और उधर से टीम नंबर 16 ने रश कर दिया है टीम नंबर 13 पे, टीम 13 पे, और टीम 13 के एक नॉक है और एक का एचपी पूरा लो है। और चलते हैं साहिलराज के स्क्वाड की तरफ। साहिलराज कहाँ पे, साहिलराज जैसे कि एज यूजुअल कोचिंग की में उतरे हैं फिर से, सो उनको अभी दो नॉक देखने को नहीं मिलेगा कहीं से। टीम नंबर 13 के दो नॉक, टीम नंबर 13 के दो नॉक हो गए। टीम नंबर 16 और टीम नंबर 30 के बीच फाइट चलते हुए। यहाँ पे वार्ड विष्णु को नॉक करते हुए टीम नंबर 30 के प्लेयर। टीम नंबर 16 ओ बॉडूस ने ओम का शॉट दे दिया है, तो टीम नंबर 13 का एक पूरा हो गया डेड और इन टीम नंबर 16 के चार बचे हुए हैं अभी, इनके तीन बचे हुए हैं। यहाँ कवर लेते हुए फाइट करना चाहेंगे टीम नंबर 16 के प्लेयर। स्मोक कर दिया है विष्णु के ऊपर, टीम चार ही उसको रिवाइव देने की, बट यहाँ पे सावन 97 को नॉक कर दिया है, अंश नाइक 97 को नॉक कर दिया और बॉट लग के रश कर रहे हैं प्लान करते हुए। और बचे हैं खाली राहतुल बचे हैं खाली, सो यहाँ पे 1v4 हो गए। राहतुल ऊपर बाना उसमें बैठा है, राहतुल ने नॉक कर दी। अच्छा राहतुल ऑल डेड, सो टीम 13 ऑल डेड हो गई। यहाँ पे टीम 16 बची हुई है यहाँ पे। अभी जोन के बाहर टीम 2 है, टीम 3 है, टीम 11 है, टीम 8, टीम 7, टीम 8 ब्रिज के मिल्टा के पास है। क्या कर रहे हैं वो लोग पे, वो और यासना में टीम 4 है। उधर जॉर्जपुर टीम में अभी भी फाइट चल रही है टीम नंबर 14 की, टीम नंबर 14 की फाइट चल रही है। टीम नंबर 7 और टीम नंबर 14 10 ने अटैक कर दिया। हां आई थिंक टीम नंबर 10 का, टीम नंबर 10 थी यहाँ पे और 14 है, सो टीम नंबर 10 के अभी दो बंदे बचे हुए और टीम नंबर 14 के तीन बंदे बचे हुए, सो यहाँ पे 2v3 फाइट हो रही है। और अनिकेत ने नॉक कर दिया है पबजी किंग को एक फ्रैग ग्रेनेड से। अब रश करेंगे आई थिंक, यहाँ स्मोक करते हुए यहाँ रश हो सकता है और मार रश हो गया। ओ डीआईपी चौधरी को नॉक कर दिया है टीम 14 के प्लेयर ने नॉक कर दिया और डीआईपी चौधरी पूरा गए और आई थिंक हाँ टीम 10 ऑलरेडी बचे हैं, तीन बंदे बचे हैं टीम 14 से। और इधर टीम 3 पे आई थिंक ब्रिज कैंप हो रहा है, टीम 3 पे ब्रिज कैंप, हाँ ब्रिज कैंप चल रहा है यहाँ पे। हाँ कैप्टन एम्पायर और टीम 8 के साथ, टीम 8 ब्रिज कैंप कर रही है और टीम 8 आई थिंक वहां से लीव कर गई। हाँ नहीं ऐसा, वो टीम 2 है वहां पे, ब्रिजकैम टीम 2 है, इंदौरी किलर की स्क्वाड है यहाँ पे। ये हेडशॉट पड़ते हुए इंदौरी किलर को हेडशॉट दे दिया है। इंदौरी की हमेशा स्नाइपर रहती है, इंदौरी किलर के पास स्नाइपर रहती है। और मिस्टर लोधी भी नॉक हो गए एक स्नाइपर शॉट से, स्मोक हो गया है यहाँ पे। टीम 3 कैप्टन एम्पायर की स्क्वाड है और वो दो ही बंदे हैं और कहीं पे फाइट दिख नहीं रही है अभी।
अभी साईंराज की स्क्वाड आई एम स्क्वाड स्कूल की तरफ अप्रोच कर रही है आई थिंक, स्कूल और कोचिंग के बीच में बैठे हुए हैं। नंबर टीम फोर टीम नाइन अभी की स्क्वाड के पास आ रहे हैं, अभी की स्क्वाड से हमें फाइट देखने को मिलेगी। अभी टीम नंबर नाइन की फाइट देखने को, उधर जतिन है, रविंद्र गौड़ है, हर्ष है और अभी है एफएल प्लान के। चलते अपन नंबर नाइन की ओर, नंबर नाइन की ओर चलते हैं। और इन लोगों ने फ्री फायर दे दिया है टीम फोर के व्हीकल के ऊपर। और उधर टीम वन भी है गोल्ड यश की टीम में, और व्हीकल तो फाइट तो होते हुए नंबर फोर नंबर नाइन के बीच। ब्रिज पे क्या हाल चल रहा है निखिल, ब्रिज पे क्या हाल चल रहा है, चलिए देखते हैं क्या हो क्या रहा है वहां पे। यहाँ पे मिस्टर लोधी का हेलमेट पूरा गया हुआ है, और अच्छा टीम नंबर टू ने यहाँ पे जीत हासिल कर ली है। तो क्या कौन सा टीम गया था, अनिकेत, रातुल, कबीर भवानी, सन्नी, मोहित, विश्वजीत, ये ऑल टीमें डेड हो गई। ब्रिज कैंपिंग का क्या हुआ, ब्रिज कैंपिंग में टीम टू ने जीत लिया, उधर टीम टू ने ऑल डेड कर दिया। कौन सी स्क्वाड थी उधर, नंबर टू ने, कैप्टन की स्क्वाड थी उधर, हाँ कैप्टन की स्क्वाड थी, कैप्टन की स्क्वाड अब दिख नहीं रही। अभी साईंराज की टीम किसी का फाइट नहीं हुआ, कैप्टन हाँ भाग गई उधर से, वो निकल गई वहां से, हाँ कैप्टन की स्क्वाड टीम थ्री वो निकल गई है कहीं और से, हाँ वो लोग आई थिंक पानी से निकले हुए। टीम एट गाड़ी में घूमने जा रहे हैं और ये पहुंच रहे हैं टीम फाइव के लिए स्टार्ट होते हुए, नंबर नाइन और नंबर फाइव। अच्छा उधर आईएम की क्लान है, और नाइन अभी अभी और हर्ष की स्क्वाड है उधर, ऑल डेड। अब नंबर फाइव को ऊपर रेस्ट करते हुए जतिन की टीम नंबर नाइन, इधर इधर पिछली बार भी साहिलराज की टीम ने फाइट लिया था, सेम स्पॉट होते हुए यहाँ दोनों टीमों ने एक दूसरे को स्पॉट कर लिया। हाँ अब देख रहे हैं, अब देखना कि कौन क्या करेगा यहाँ पे। यहाँ साहिलराज और जतिन की टीम को नहीं पाई, और अभी पीछे वेयर हाउस में बैठा है, और टीजी को थोड़ा सा डैमेज झेलना पड़ा, टीजी किंग को डैमेज। एम के चला रहे हैं हर्ष एज यूजुअल, यहाँ सिर्फ और कवर और फाइट, कवर और फाइट करना पड़ेगा। काना को भी डैमेज देते हुए, इधर की काना थोड़े से लो है यहाँ पे, और यहाँ अभी इनके स्पॉट से लो है, और भवानी को नॉक कर दिया है इनने, जतिन ने भवानी को नॉक कर दिया करते हुए, और लगता है कि रश रश बीच से करेंगे तो गलत होगा टीम नाइन के लिए, अगर बीच से रश करेंगे, पिछली बार यही हुआ था टीम आईएम के साथ हुआ था पिछली बार यही, वो रश नहीं कर पाए थे टाइम पे। और रिवेंज गॉड दो बॉल के पीछे से पीक करते हुए, पर नंबर नाइन के पास एक एडवांटेज था। हाँ वैसे है, हाँ उनका पास मतलब एडवांटेज दो अच्छे खासे बिल्डिंग्स मिले हैं उनको, हाँ अच्छे खासे घर मिले, और इनके पास बस स्क्वाड हाउस है, स्क्वाड हाउस ओपन है पूरा। मुझे लगता है ऐसा कि गाड़ी में कर और साहिलराज नॉक हुए हर्ष से, हर्ष ने साहिलराज को नॉक किया एमके से, और बट हाँ उनको मे भी उधर भवानी रिवाइव दे सकते हैं। अब देखना है कि कौन कैसे रिवाइव हो सकता है। जतिन बहुत पीछे से प्लान कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या करने गए वहां से।
हाँ वो अभी को रिवाइव देने आए। हाँ हाँ पूरी टीम रिवाइव होते हुए। देखो ये कार्नेंटीर का शॉट पड़ा आज, और ये स्मोक के इधर में भी। अच्छा ये लोग फॉल बैक करेंगे आई थिंक। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके तो कॉल यहाँ को पे मेरा होल्ड पर कलीग रखा है, गया है कृपया लाइन पर बने रहें। द और पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा। निखिल निखिल आप होल्ड पर रख रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं स्ट्रीम को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। और टीम नंबर 8 का है, टीम नंबर 8 एयरड्रॉप पे गई है उधर, टीम नंबर 2 भी, और वो फाइट चल रहा है उधर। आप देखते हैं टीम नंबर, देखते हैं 2 और 8 के बीच में फाइट चलने वाली है। टीम नंबर हाँ आ गया भाई, एजे डैमेज है और वो इंदौरी की स्क्वाड स्क्वाड के साथ फाइट ले रहे हैं ओपन में, नहीं ओपन में नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे एजे नॉक, प्ले तनवीर ने एजे को नॉक कर दिया है। चलो रिप्लेस कर रहे हैं, और एजे पूरा डेड पे, एजे नंबर टू पूरा नंबर साइड है। थ्री नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सेवन नंबर एट नंबर नाइन नंबर इलेवन नंबर फोर्टीन नंबर सिक्सटीन सेवनटीन 22। यहाँ पे 3v4 चल रहा है अब, उनका क्या हाल चाल है? यहाँ देखो तो अभी फिलहाल में 9 और 5 का क्या हाल चल रहा है निखिल? यहाँ पे 10 या 11 टीमें बची हो रही थी। अच्छा इनके बच्चे हैं डिजास्टर बच्चे हैं, स्वीटी बच्ची है, रियान बच्चा है, और इंटर इधर इनके चारों बच्चे हैं। जतिन ने फिर से का नाम लॉक कर दिया, जतिन और हर्ष दोनों एमके चला रहे हैं एक्सचेंज, दो जगह फाइट चल रही है और दो जगह एक दूसरे पे रश कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से वो नहीं है एम काना नॉक है, और ये लोग आउटसाइड जोन दोनों में फाइट देखने को मिलेगी, जल्दी अग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिलेगा इधर। ये दोनों टीमें जोन से बाहर है अभी, यहाँ पे खाली अभी फिर से नॉक हो गए। अच्छा जतिन नॉक हो गए, जतिन को नॉक इनने किया, अब लोग रश कर रहे हैं। साहिराज ने रश कर दिया है और हर्ष को नॉक, और ये भवानी नॉक, काना नॉक, सॉरी टीजे किंग नॉक हो गए, काना और टीजे काना को रश नहीं करते हुए काना को पूरा। हर्ष वाइव हो गए और हर्ष और वीर एक ही रूम में। अच्छा हर्ष वाइव नहीं हो रहा, हर्ष पूरे डेड है, और बचे हैं जतिन जतिन बचे हैं। साहिल राज में भी ऊपर जाना चाहेंगे, और पूरा खा लिया है वीरू को। अच्छा वीरू भी जिन्ना है, साहिल राज पूरा खा गए। अभी अभी बचे हुए हैं और जतिन जतिन डेड है अभी बचे हुए, बस और वीरो बचे इधर अभी, और भवानी की फाइट चल रही है और आउटसाइड दोन जोन दोनों है, और उधर विवेक ने के जब किलर को मार दिया। इधर देखना है कि भवानी और वीर अभी में से कौन बच सकता है। अभी एसएमजी चला रहे हैं और यहाँ पे वीरो M4, और ये दोनों आउटसाइड जोन है, और यहाँ पे भवानी वीरू आई एम वीरू ने अभी को खा लिया, अभी को पूरा। और टीम नंबर 8 का देखते हैं, टीम नंबर 8 का क्या हाल, टीम नंबर 8 अभी जिंदा है हमको।
हमको डाउट था, तो इन टीम नंबर 8 ने उस स्क्वाड को पूरा खा लिया है उधर, तो अच्छा प्रदर्शन रहा उधर टीम नंबर 8 का, जबकि उनका एक प्लेयर पूरा डेड था। तो इन लोगों ने बाना उस पोजीशन पे था और की पैसा भी लिया है। यहाँ पर टीम नंबर 4, टीम नंबर 5 से भवानी बचे हुए हैं, टीम नंबर 3 से दोनों बचे हुए हैं, कैप्टन वैम्पायर ये भाग गए थे, मतलब उधर बीच से ये लोग बॉल बैक किए थे। टीम नंबर 8 में तीन प्लेयर हुए, टीम नंबर 11, टीम नंबर 16 लोगों ने गाड़ी पकड़ ली। पूरे 4 बंदे हैं, टीम नंबर 16, टीम नंबर 16 स्क्वाड से पहुंचेंगे और टीम नंबर 11 टीम नंबर 8 पहुंची है जोन में, टीम नंबर 20 टीम नंबर 22 के पीछे से आई एम क्लान का, आई एम स्क्वाड का, आई एम वीरो आ रहे हैं, मे बी उधर फाइट देखने को मिल सकती है हमको, उधर विवेक सनी और जिस ऑफिशियल है आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। अच्छा भवानी पूरा फ्लैंक करके आए थे, हाँ भवानी पूरा फ्लैंक किए उस साइड से। निखिल क्या लगता है यहाँ पे भवानी और टीम 22 में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं भवानी यहाँ पे अपनी बचाने के लिए, क्या कर सकते हैं, क्या भवानी फाइट लिए, भवानी ने विवेक को नॉक कर दिया, पूरा किल किया, पूरा किल कर दिया, भवानी के पास क्षमता है, वो कर सकते हैं ऐसा ऐसे लगता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सो भवानी में भी फॉल बैक कर रहे हैं जोन की तरफ, अच्छा भवानी ऑलरेडी जोन में है और यहाँ पे टीम नंबर 22 जोन में नहीं है, टीम नंबर 17 भवानी को नजर है इनपे, ये जोन में आए, ये जोन स्टार्ट हो गया। टीम नंबर 16 की तरफ चलते हैं, वो बॉट की स्क्वाड, बॉट क्लैन इधर, हाँ टीम नंबर 11 से लड़ रहे हैं, स्नाइपर स्नाइपर खेल रहे हैं, बॉट विष्णु के पास ऑम है, बॉट लकी पूरा डेड, और इधर आए हैं वीरू, मतलब ये टोटल चार चार स्कोर है इधर, और टीम नंबर 17 के पीछे फाइट, ओ उधर भवानी आई थिंक से लड़ रहे हैं, अरे वीरू बहुत लेट है, ओ ये सनी ने वीरू को पीछे से M4 का शॉट देके किल कर दिया, तो उधर फाइट चल रही है टीम नंबर 8, टीम नंबर 16, टीम नंबर 16, टीम नंबर 8 अच्छे से होल्ड किए हुए हैं, इस पर आओ अब, मतलब थोड़ा लग रहा है कि रियान की स्ट्रेटजी काम आ रही है, पिछले मैच में हमने देखा था रियान जोन को पहले प्रायोरिटी दिए थे पिछले गेम में भी, और यहाँ पे स्कोर ऑफ पर रश हो गया, तो टीम नंबर और टीम नंबर 16 के बीच में फाइट हो गई यहाँ पे, तो रियान नॉक हो गए यहाँ पे, तो बचे बचे डिजास्टर बचे हुए, पेटी भी नॉक हो गई है यहाँ पे, टीम नंबर 8 ऑल डेड हो गए यहाँ पे, हाँ टीम नंबर 8 ऑल डेड हो गए यहाँ पे, स्क्वाड ने खोला है और अभी ऑक्यूपे कर लिया है स्क्वाड टीम नंबर 16 ने,
तो बचे हैं टीम नंबर 22, टीम नंबर 17 और 16 बचे हुए हैं।